श्री शैलम, आंध्र प्रदेश सीरीज के हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अपने शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से श्री शैलम कैसे पहुंचे, रुकने की क्या व्यवस्था है। आज के इस वीडियो में हम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग और आदिशक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माता ब्रह्मरंभा देवी दर्शन और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा आपसे शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टू एन ब्लॉगर्स में मैं नितिन वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजित हैं। मल्लिकार्जुन के अलावा झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति एक साथ विराजित हैं। कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग और माँ पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसमें माता पार्वती को मल्लिका और भगवान महादेव को अर्जुन के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में अलग अलग तरह के प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक निशुल्क प्रवेश द्वार है और दूसरे प्रवेश द्वार से शुल्क देकर शीघ्र दर्शन किया जा सकता है। यदि आपके पास समय की कमी है तो कम से कम ₹150 का शुल्क देकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। दिव्यांग भक्तों के लिए यहाँ पर अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है। मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही क्लॉक रूम बना हुआ है, जिसमें कुछ शुल्क देकर अपना मोबाइल रख सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए ड्रेस कोड का नियम नहीं है, लेकिन वेस्टर्न आउटफिट पहनकर दर्शन करने से बचे, यह अपनी विराट भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति विराजित है। नंदी मंडप के सामने ही गर्भगृह में महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। यहाँ शुल्क देकर गर्भगृह में पूजा और अभिषेक किया जा सकता है। उसके लिए महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है। यह गर्भगृह छोटा होने के कारण दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती है। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी में इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि उनमें से कौन बड़ा है। इस बात के समाधान हेतु महादेव उनसे कहे, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश जी के लिए यह कार्य मुश्किल था। श्री गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। इस बात से नाराज होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने उनके पीछे माता पार्वती वहां पहुंची। इसके बाद महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। तभी से महादेव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक पीछे माता ब्रह्मरंभा देवी का मंदिर है। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के गर्दन का हिस्सा गिरा था। इस स्थान पर महादेव और माता पार्वती के एक साथ दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ मंदिर परिसर में ही गौशाला भी बनी हुई है। यहाँ पर गौ वंश की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। यहाँ के नंदी महाराज को श्रृंगार करके रोज शाम संध्या आरती के समय मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। यह दृश्य देखने लायक होता है। सजे धजे नंदी महाराज जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया जा सकता है। इस पल को आप जरूर अनुभव करें। मंदिर परिसर से बाहर आते ही कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र है। यहाँ पर भक्तों के लिए निशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है। सुबह का समय 11 से 2 और शाम 7 से 9 तक है।
यहाँ के सेवाकर्मी बड़े प्रेम भाव और आत्मीयता से यहाँ आने वाले भक्तों को भोजन करवाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया। यहाँ मिलने वाला प्रसाद स्वरूप भोजन पूर्ण रूप से ग्रहण करें, झूठा खाना कृपया थाली में ना छोड़ें। उतना ही थाली में ले जितना आप खा सके, कृपया अन्न की बर्बादी ना करें। यहाँ के दान पात्र में आप अपनी स्वेच्छा से भोजन प्रसाद के लिए सहयोग राशि दे सकते हैं। मंदिर परिसर से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साक्षी गणपति मंदिर। मान्यता के अनुसार महादेव और माता पार्वती के दर्शन के बाद यहां साक्षी गणपति जी के दर्शन करना अनिवार्य है। यह आपकी यात्रा के साक्षी बनते हैं। मंदिर परिसर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाताल गंगा। यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाता है और दूसरा रोपवे से। रोपवे की रिटर्न टिकट वयस्कों के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये है। रोपवे का समय सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। कई लोग यहां स्नान करके महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। यहां पर बोट राइडिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। इस सीरीज के अगले भाग में हम श्री शैलम क्षेत्र के आसपास अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।